सो यो गाइस एंड सभी को एक बार फिर से नई ताज़ा तरीन वीडियो में स्वागत है। और आज अपने खेलने जा रहे हैं एज़ यूज़ुअल कार फॉर सेल सिमुलेटर गाइस। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ खरीदी थी, बहुत ही महंगी और बहुत ही पुरानी विंटेज और सुपर कार्स, जिसको मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में सेल करेंगे। और अपने कहने के मुताबिक मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें करने वाले हैं अपने सारे ब्लैक, बिल्कुल मैट ब्लैक सुपर कार के कलेक्शन की सेल। तो गाइज अपने पास फ़िलहाल दो सुपरा है, एक मस्टैंग है, एक ऑडी है कन्वर्टेबल, और एक विंटेज कार है गाइज। तो अभी चलते हैं और सभी को लगाते हैं सेल पे, और सेल पे लगा के फिर देखते हैं क्या प्राइस अपने अर्न कर पाते हैं। फ़िलहाल अपने पास है $34,000 ओनली। तो गाइज पहली कस्टमर आ गई है आंटी जी, ये कितनी प्राइस देती हैं मस्टैंग की? नहीं भाई ये तो काम नहीं चलेगा। अभी ये भाई साहब आए हैं, देखते हैं क्या ये विंटेज कार ले जाते हैं अपने प्राइस पे या नहीं। गाइज इन्होंने दे दिया प्राइस तो मैंने कार भी बेच दी है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो प्राइस दिया था। और ये आ गए सुपरा के भाई साहब, और मैंने सुपरा को 95 लगाया था, 93 दिया तो बेच दिया गाइज। और बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसको लगा देता हूँ जल्दी से, और ऑफिस को करता हूँ बंद। और आज लेके चलेंगे सोने अपने फरारी में। और गाइज मैं बता दूं कि आप लोग बोलोगे कि इतनी अर्निंग कर रहा है, इतनी सुपर कार खरीद रहा है, बट घर क्यों नहीं खरीद रहा? तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में घर खरीदेंगे, तब तक अपने कंटेनर में ही सो लेते हैं। कोई ना, यहीं से शुरुआत किया था तो इसमें कोई लाज वाली बात नहीं है या शर्म वाली बात नहीं है। तो आ गए हैं अपने कंटेनर में, अभी फाइनली सोएंगे और नेक्स्ट डे फिर रेज्यूम करते हैं। और ओवरऑल अपने आपको मैं दिखाऊंगा कि बिजनेस में कैसे प्रॉफिट होता है, और आप कैसे कार फॉर सेल सिमुलेटर में बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले अपने को जाना है ऑफिस, डर्टी है तो उसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद फिर जो भी गाड़ियाँ वहाँ पे अभी लगी हुई हैं, जो इन्वेस्टमेंट है सुपर कार्स में, उनको सेल करेंगे, ताकि अपना प्रिंसिपल और अगर भगवान ने चाहा तो कुछ बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, जिससे अपने नेक्स्ट कार खरीदेंगे गाइस। तो आ गया मैं ऑफिस के पास, बाहर ही रहने देता हूँ फरारी, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी आएंगे तो फिर ऐसे मतलब कि क्या ही रस करना, और गाड़ी भी महंगी है तो क्यों ही इस पर डेंट लगाना। तो मैं बाहर ही खड़ी कर देता हूँ, थोड़ी फ्लैक्स भी हो जाएगी। और फिलहाल अपने पास है तीन कार, और तीनों कार को अभी मस्त सेल करेंगे अपने, जिसमें दो सुपरा नहीं, एक मस्टैंग, एक ऑडी और एक सुपरा है। एक सुपरा सेल हो गई है ऑलरेडी, जो कल हुई थी। तो गाइज़ ये कस्टमर भाई साहब आए हैं, और ये किस कार के लिए जा रहे हैं? तो ये मस्टैंग के लिए जा रहे हैं। और आज मतलब आपको एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये मस्टैंग मैंने धोई नहीं थी ले जाकर के एजेंसी में। अरे भाई किधर जा रहा है बे, अरे गजब पागल आदमी है भाई, मस्टैंग के पीछे से जा रहा है ऑडी की तरफ। ये तो मतलब वही बात हुआ कि मतलब क्या ही बताऊँ, अब छोड़ो। तो गाइज देखते हैं कितना पैसा देता है ये कालू। गाइज ये कालू तो बहुत ही अमीर निकला, जितना प्राइस रखा था तो उतना इसने दे दिया और मैंने बेच दिया गाइज। और मस्टैंग का भी एक अच्छा डील मिल रहा है, उतना प्राइस तो नहीं बट ठीक डील मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बेच दूँ। और अपने पास बची है बस एक सुपरा MK5, जिसके लिए दो सेम मोटू सेठ कस्टमर आ गए हैं लोग, और ये देखते हैं क्या प्राइस बेच रहा है और मांग रहा है। तो मेरा 95,000 इसने एक्सेप्ट कर लिया गाइज। तो ऐसे मैंने देखो 34,000 से कार सेल करके $3,29,117 फिलहाल मेरे अकाउंट में है गाइस। तो पिछला वीडियो जिन्होंने भी देखा है, और नहीं देखा तो मैं ऊपर डाल देता हूँ, जाके देख लेना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना गाइस, 600 के बहुत नज़दीक हैं, तो करा दो कंप्लीट।